दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी क्लियो की एक ऐसी कहानी जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगी और एक नए एंगल से हिस्ट्री को प्रेजेंट करेगी। चलो शुरू से एंड तक इसकी जर्नी पे चलते हैं और देखते हैं क्लियोपात्रा का मॉडर्न दुनिया के साथ क्या स्ट्रगल और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी की लाइन पर चलते हैं। तो मीरा डोगन ने क्लियोपात्रा का रोल तो कमाल का निभाया है। वो अपने रोल में इतना खो जाती है कि तुम्हें लगेगा वो सच में क्लियो ही है। जूलियन सियागर और माइक गैलिंडो ने भी अपने रोल्स में काफी एंटरटेनिंग बनाया है, पर ये मीरा की परफॉर्मेंस है जो मूवीज को हाईलाइट बनाती है। क्लियोपात्रा का चार्म और कॉन्फिडेंस मॉडर्न सोसाइटी के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। तुम्हें इसमें पुरानी और नई दुनिया का एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। मीरा डोगन की राइटिंग और हैना पीटरसन की डायरेक्शन की कॉम्बिनेशन ने मूवी को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। डायरेक्टर ने क्लियोपात्रा के कैरेक्टर को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वैल्यूबल दोनों को इक्वल शो किया है और इसलिए तुम्हें क्लियोपात्रा सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं बल्कि एक रियल इंसान लगती है। ये एक ट्रिकी एग्जीक्यूशन था, पर हैना पीटरसन ने इस कॉन्सेप्ट को एकदम बैलेंस के साथ ट्रीट किया है। अब सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक की भी बात कर लेते हैं, तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी लाजवाब है। तुम्हें क्लियोपात्रा की ओल्ड स्कूल वाइफ और मॉडर्न दुनिया के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत ब्रिलियंटली दिखाया गया है। एक तरफ तुम्हें ग्रैंड एशियंट इजिप्ट की हिंट मिलते हैं और दूसरी तरफ 21st सेंचुरी का हस्टल बस्टल। कैरोलिना कोस्टा की सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग और एंड्रू ओकविन की म्यूजिक भी बैकग्राउंड में एनर्जी को मेंटेन करता है। यहाँ तुम्हें क्लियोपात्रा की पर्सनल स्ट्रगल, सेल्फ डिस्कवरी और मॉडर्न सोसाइटी के स्टैंड से लड़ने का भी एक एंगल मिलेगा। क्लियोपात्रा का कैरेक्टर जो अपने पहले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग क्वीन थी, अब वो नए जमाने में अपने आप को पाने की कोशिश करती है। तुम्हें इस इमोशनल डेप्थ भी फील होगी क्योंकि वो अपने पुराने जमानों के लोगों को याद करती है और नए जमाने में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करती है। अब क्लाइमैक्स पे आते हैं, तो क्लियोपात्रा की मॉडर्न दुनिया में जो स्ट्रगल्स है वो क्लाइमैक्स में पीक पे पहुंचता है। तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो या तो पूरी तरह से मॉडर्न हो जाएगी या अपने ज़माने में वापस चली जाएगी, पर डायरेक्टर ने इस एंडिंग को रियलिस्टिक रखा है। क्लियोपात्रा अपने आइडेंटिटी के साथ एक बैलेंस बनाने का रास्ता ढूंढती है। वो ना पूरा मॉडर्न बनाती है ना पूरा अपना जमाने में वापस जाती है। ये बैलेंस और क्लोजर एंडिंग में इम्प्रेसिव लगता है। मूवी का ओवरऑल मैसेज है कि चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, नए जमाने में अपने आप को फिट करने के लिए तुम्हें अपने रूट से कनेक्शंस बनाने के रखना जरूरी है और इस स्टोरी में ये मैसेज बिल्कुल नेचुरल और रियल लगता है। कोई भी फोर्स्ड नहीं है। तुमको लगता है कि क्लियोपात्रा का सफर सिर्फ एक क्वीन का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो नए कल्चर और जमाने में एडजस्ट करते वक्त अपनी पुरानी वैल्यूज को नहीं भूलता। अब अगर प्रोज और कॉन्स की बात करूं, तो सबसे बड़ा प्रोज तो यही है कि क्लियोपात्रा का कैरेक्टर और उसका मॉडर्न दुनिया में रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग है। यह फिल्म तुम्हें शुरू से एंड तक इंगेज रखती है। अब कॉन्स की भी बात कर लो, तो फिल्म का पेस कहीं कहीं पर स्लो फील हो सकता है, स्पेशली उन सीन्स में जहां क्लियोपात्रा मॉडर्न जमाने में फिक्स होने की कोशिश करती है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर तुम एक यूनिक, इंगेजिंग और इंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हो तो 21st सेंचुरी क्लियो डेफिनेटली ट्राई करना। क्लियोपात्रा का कैरेक्टर और उसका जर्नी तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि क्लियोपात्रा कैसे तुम्हें अपने अंदर का रॉयल फील दिलाती है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें मजा आया हो तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, और जब तक तुम यहाँ पर हो तो लाइक करो यार। तो गुड बाय।